हे गाइस, आज हम जानने वाले हैं कि हम क्रिकेट लीग गेम कैसे खेल सकते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, हमें बता रहा है कि हमें नीचे की तरफ स्वाइप करना है। अगर हमें हिट मारना है, मान लीजिए 6-4 मारना है, तो हमें नीचे की तरफ स्वाइप करना है। ओके, तो यहाँ पे हिट 3 बॉल। ओके, तो यहाँ पे हम अपना पहले बैटिंग सेट कर लेते हैं और हमें नीचे की तरफ स्वाइप करके बॉल को हिट करना है। यहाँ पे देख लीजिए। ओके, तो हमने बिल्कुल परफेक्ट शॉट मारा है। तो हमें इसी तरह से खेलना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें नीचे की तरफ यहाँ पे स्वाइप करना है और बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए, मैं लेट हो गया हूँ और ये बॉल मिस हो गया है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको लेट नहीं होना है, बिल्कुल ही परफेक्ट मारना है। जैसे यहाँ पे मैं फिर से नीचे की तरफ स्वाइप करता हूँ और यहाँ पे मारना है। तो देखो, यहाँ पे ये 6 चला गया। तो यहाँ पे हमने 2 बॉल हिट कर दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और ये 3रा बॉल है। ओके, तो ये भी हमने हिट कर दिया। तो बाकी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे हमको खेलना है। अब यहाँ हमें बॉलिंग करने के लिए दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम शायद 3 बॉल करने वाले हैं। ओके, तो हम पहले सेट कर देते हैं कि हमारा बॉल कहाँ गिरना चाहिए। तो यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन भी दे रहा है। सही है भाई, तो हम इसको सेट कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो लाइन दिखाई दे रहा है, जिसमें रेड, ग्रीन और येल्लो है, तो आपको ज़्यादातर बॉल ग्रीन पर ही फेंकना है। अगर आप रेड पर फेंकेंगे तो 9 बॉल हो जाएगा। तो अगर आप ग्रीन लाइन पे ले जाकर फेंकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो वो 9 बॉल नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बॉल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको फेंक कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे इसको ग्रीन लाइन पे रोक देना है और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा, और इजीली हमने फेंक दिया। बहुत ही परफेक्ट बॉल किया हमने, फास्ट बॉल किया था और बहुत ही परफेक्ट फेंका था। अब यहाँ पे हम स्पिन फेंकेंगे। ओके, तो इसको भी हम ग्रीन लाइन पे यहाँ पे रखेंगे और यहाँ ये हमारा स्पिन है। तो ये भी हमने बिल्कुल परफेक्ट फेंका। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छे से बता रहा है कि कैसे क्या क्या करना है। तो सही है भाई साहब, अब सब कुछ बता ही रहा है मतलब। और यहाँ पे देखिए, मैंने रेड जोन में रोका और 9 बॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नीचे भी ऊपर भी। तो हमें क्या करना है, या तो येल्लो में रखना है या फिर ग्रीन में रखना है, तब जाकर हमारा बॉल बिल्कुल परफेक्ट होगा। और यहाँ देख लीजिए, हमने विकेट भी ले लिया है। अब चलिए हम कोई मैच खेलते हैं और देखते हैं उसमें हमारा परफॉर्मेंस कैसा होता है, और उसको वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे खेला जाता है बहुत अच्छे से। तो कि यहाँ पे मुंबई और भी बहुत सारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुंबई की तरफ से हमारा 100-100 कॉइन लग गया है। अब चलिए हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो पहले हम बैट फर्स्ट करेंगे। ओके, हम बैट फर्स्ट कर लेते हैं भाई। अगर हम लेट हुए तो बॉल मिस हो जाएगा, मैं आपको बता दूँ। और नीचे यहाँ पे दिखा रहा है कि हम राइट लेफ्ट जा सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे एक कॉर्नर में दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, ये हमारा फर्स्ट बॉल ही मिस हो गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे यहाँ पे मैं अच्छे से सेट नहीं कर पाया हूँ। यहाँ पे आपको अच्छे से सेट करना है, जहाँ पे बॉल आ रहा है वहाँ पे आपको सेट होना है और मारना है। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट शॉट लगा और ये 6 है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको ध्यान रखना है कि आपको नीचे अच्छे से स्वाइप करना है और बिल्कुल परफेक्ट शॉट मारना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक और 6 मार कर यहाँ पर आया बॉल, अब हमें मारना है। देखो कुछ इस तरह से, हमें नीचे स्वाइप करके रखना है, अपने स्क्रीन को टच करके रखना है नीचे स्वाइप करके, और जैसे ही बॉल आए उसके बाद हमें छोड़ देना है और ऑटोमेटिक वो 6 चला जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे परफेक्ट रहता हूँ और ये सेट कर रहा है बॉल कहाँ पर आएगा, और हम भी अपना बैटमैन अच्छे से सेट कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं और ये रहा, देखिए ये भी 6 ही है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लगातार हमने 3 6 मार दिया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि कब आपको यहाँ पे नीचे स्वाइप करना है और कब छोड़ना है। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसने बाल छोड़ा, अब मैं छोड़ूंगा। देखिए तो कुछ इस तरह से ये फिर से 6 लग गया। मैं नीचे खींच कर रख रहा हूँ और जैसे ही बाल यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, मैं बिल्कुल छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिएगा, मैं पीछे की तरफ स्वाइप करके रखता हूँ, और ध्यान रखना है कि आपको बॉल कहाँ आ रही है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेटल हो जाइएगा। और फिर से मैं यहाँ पे, तो देखो जैसे ही बॉल आया मैंने फिर मारा और यहाँ पर देख लीजिए, एक और 6, यानी कि हमारा फर्स्ट बॉल मिस हुआ था, उसके बाद से 5 6 आ गए, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अब हम बॉलिंग करेंगे, तो बॉलिंग हमें अपने यहाँ पर सेट कर लेते हैं कि हमारा बॉल कहाँ गिरना चाहिए। ओके, और हम आपको बता दें कि हम स्पिनर ही ज़्यादातर यूज करने वाले हैं ताकि हम कम पिटें। और बाल आपको पता ही है, ग्रीन जोन में रोकना है। यहाँ पे आपको जो लाइन चल रहा है तो हमने ग्रीन में रोक दिया है, और ये हमारा स्पिनर है। ओके, तो क्या है भाई, कैच है कि क्या है? ये शायद सिंगल ही होगा। जी हाँ, सिंगल ही है। हाँ, सिंगल ही है। जो आप देख ले, स्पिनर ज़्यादातर नहीं पिटते हैं, लेकिन हम जब आप फास्ट बॉलर फेंकते हैं और गलत होंगे तो ये पूरा 6 ही मार देगा, क्योंकि ये पूरा परफेक्ट होता है, 6 इजीली चला जाता है। तो आपको ज़्यादातर स्पिनर ही यूज करना है। पहले मैं यहाँ पर फास्ट बॉलर को यूज कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर टाइम भी आपको देखते रहना है कि कहीं ऐसा ना है कि आप लेट हो जाएँ।
और ये मिस हो गया। तो देखा आपने कितना बेहतरीन तरीके से मैंने बॉलिंग किया कि ये मिस हो गया, और दो बॉल में सिर्फ इसने एक ही रन मारा है, और अभी इसको बहुत ज़्यादा मारना है। हमने 30 रन मारा था, 5 छक्के मारे थे, और फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन जोन पे रोका उसके बस यहाँ पे। और ये क्या है भाई, क्या है, सिंगल या डबल है? तो यहाँ पे डबल है, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 बॉल में हमने 3 रन दे दिया है, बाकी हमने अच्छा फेंका है। और फिर से हम यहाँ फेंकते हैं, आपको यहाँ पे लाइन सेट करने के लिए दिया जाएगा कि आपका बॉल कहाँ गिरेगा, आप इजीली अपने हाथों से सेट कर पाएंगे स्क्रीन पे टच करके। अब ये हमारा 9 बॉल हो जाएगा, क्योंकि गलती से मैंने यहाँ पर देख लीजिए रेड जोन में बॉल को रोक कर फेंका। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जो लाइन ऊपर नीचे जा रहा है इसको आपको ग्रीन जोन में ही रखना है, या फिर येल्लो में रखिएगा, आपका बॉल परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप रेड जोन में डालते हैं तो वो बॉल नो बॉल हो जाएगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नो बॉल भी हो सकता है अगर आप रेड जोन में रखेंगे, 100% गारंटी है। तो यहाँ पे हमारे 1 नो बॉल हो चुका है, इसको हम बिल्कुल ग्रीन लाइन पर रखेंगे, और ये हमारा स्पिन ही है। कैच रोक भाई, क्या है भाई, चलो ये डबल हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये 3 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम सिर्फ 7 ही रन दिए हैं, और 5 बॉल हो चुका है, ये हमारा लास्ट बॉल है। और शायद हम विन, शायद नहीं, हम विन कर ही जाएंगे, 100% गारंटी है कि विन कर जाएंगे, क्योंकि इसे अब बहुत रन मारना है। और यहाँ पे इसका डबल होगा और क्या ही होगा। ओके, तो हमने 6 बॉल में सिर्फ 9 रन दिए हैं, और इसे मारना था 31, और यहाँ पर हम विन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे हम विन हो चुके हैं, और हमने 100 टोकन यहाँ पे जीत लिया, 100 क्वाइन भी बोल सकते हैं, और हमने यहाँ पे जीत लिया। अब हमें यहाँ पे कुछ मिला है, इसको हम अनलॉक करते हैं। ओके, इसके ऊपर हम क्लिक कर 5-3 भाई, यहाँ पे सेकंड चल रहा है और दिखा रहा है कि इतने सेकंड के बाद इसको आप ओपन कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको ओपन कर सकते हैं, इसमें से टैप टू ओपन, और इसमें समय क्या है, तो क्वाइन भाई, 100 क्वाइन मिला है। चलिए ठीक है भाई, अब 3 मिला है, तो इसमें विकास कॉमन बैट्समैन राइट हैंडर, सही है भाई, एक बैट्समैन भी मिल गया है, और यहाँ पे एक फास्ट बॉलर भी हमें मिल गया है फ्री में, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात है। तो हम यहाँ पे लॉगिन वॉगिन नहीं करने वाले हैं, मुंबई है, कराची तो अनलॉक्ड है, जिसे हमें खेलने के लिए लेवल 3 जाना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मुंबई वाला ही हम खेल लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए दुबई है, और ये क्या है, ढाका है, मेलबर्न है, लंदन है, जो कि ये सभी अभी लॉक है। जैसे जैसे हमारा लेवल अप होगा तैसे तैसे ये ओपन होता जाएगा, यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो हम मुंबई वाला ही खेलते हैं एक और मैच, और यहाँ पे देखते हैं कि हम जीतते हैं कि नहीं। तो आपको गेम काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमें नीचे की तरफ स्वाइप करना है, बैटमैन को सेट करना है, बॉल कहाँ फेंकना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बॉलिंग करेंगे, तो हम अपना बॉलिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और ज़्यादातर बॉल हमें स्पिनर से ही कराएंगे, क्योंकि स्पिनर पिटते नहीं है, 6 कम ही जाता है। ओके, तो यहाँ पे तो ये मिस कर गया हमारा, यहाँ पे डॉट बॉल हो गया, हमने अच्छा फेंका है भाई। मैंने बोला था स्पिनर अच्छा खासा फेंक लेते हैं, यहाँ पे आप स्पिनर का ही यूज करिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम, और ग्रीन लाइन में ही रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप रेड जोन में चले जाइएगा फिर आप नो बॉल फेंक देंगे, तो आपको ग्रीन या फिर येल्लो में ही रखना है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। क्या है, डबल हो सकता है, 2 बॉल में हमने 2 रन दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से आपको बॉलिंग फेंकना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन देता है, एक आप फास्ट फेंक सकते हैं, एक स्पिन फेंक सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं देता है, जैसे मैं रियल क्रिकेट 22 में या फिर रियल क्रिकेट 20 में देखने के लिए मिलता है, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलता है कि आप किस किस तरह से बॉल फेंक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दे रहा है कि एक फास्ट फेंक सकते हैं और एक स्पिन डाल सकते हैं, 2 ही ऑप्शन। सिंपल सा गेम है लेकिन बढ़िया है, कोई ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाएंगे, मज़ा आएगा आप जब आप खेलेंगे, इसमें भी आपको मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा ये फास्ट बॉलर है, तो चलिए हम इसको देखते हैं क्या होता है। और ये वाइड कैसे हो सकता है भाई, मैंने बिल्कुल लाइन के ऊपर से ही फेंका है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से हम फेंक लेते हैं, 1 बॉल हमने वाइड फेंका है, और 3 बॉल में 6 रन दे चुका है अब तक हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से हम फेंकते हैं, और ये क्या है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें दिखाता है कि हम बॉलिंग फेंकते हुए अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें बॉल कहाँ पे डालना है। यहाँ पे जो आपको गोल राउंड वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको जहाँ भी सेट करेंगे बॉल वहीं पे गिरेगा, तो इसको आप सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और ये भी मिस हो गया जी हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए हमने यहाँ पर 5 बॉल में 8 रन दिया है, 1 वाइड था जिसमें, और सारा बॉल मैं यहाँ पर ग्रीन जोन में ही रख रहा हूँ ताकि कोई भी 9 बॉल ना हो। और ये भी मिस हो गया भाई, तो इसने 6 बॉलों में 8 रन मार रहा है और हम 9 रन मारना है, तो काफ़ी आसान हमें मिला है भाई साहब, इजली इसको जीत सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई, ये बॉल यहाँ पे आएगा, तो हम पीछे की तरफ स्वाइप करते हैं बैटमैन को,
यहाँ पे ओके कहाँ पे रहेगा, और नीचे यहाँ पे जो लाइन दिखाई दे रहा है इससे हम बैटमैन को लेफ्ट राइट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे जो नीचे लाइन दिखाई दे रहा है इसको मारते हैं, मिस हो गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप जल्दी से यहाँ पे नीचे स्वाइप करके छोड़ जाएंगे तो ये टू अर्ली हो जाएगा, गेंद मिस हो जाएगा, या फिर मान लीजिए अगर आप लेट से छोड़ेंगे तो फिर गेंद मिस हो जाएगी और आप आउट भी हो सकते हैं। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट छोड़ना है यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अब तो देखो कितना बेहतरीन हमने शॉट मारा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे 2 रन हो सकता है जी, यहाँ पे हमने 2 बॉलों में 2 रन हो चुका है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको कब यहाँ पे शॉट लगाना है, जब बॉल आए, जब गिरे नीचे, तब आपको यहाँ पे नीचे स्वाइप करना है। देखो अब मैं यहाँ पे स्वाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक, अब बॉल का वेट करूँगा अब, और ये 6 होगा, नहीं 6 नहीं है, क्या है ये, 2 रन, ठीक है भाई, 3 बॉल में हमने 4 रन मार दिया है, अभी हमें 5 रन चाहिए विन करने के लिए। तब की बॉल कहाँ पे फेंकेगा, वहाँ पे नहीं, सामने फेंकेगा, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं, अब मारते हैं, और ये परफेक्ट लगा है, तो ये फिर से हमारा 2 रन हो सकता है, नहीं 3 रन है, सही है। तो हमने 4 बॉल में 7 रन मार दिया है, 2 बॉल में हमें 2 रन मारना है, तो मारा जा सकता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैं कैसे बैट्समैन को लेफ्ट राइट करके सेट कर रहा हूँ, और ये, ओ भाई, टू अर्ली, तो ये भी मिस हो गया, मैंने बहुत ही जल्दी नीचे स्वाइप करके छोड़ दिया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे मैं लेट हो रहा हूँ बॉल मिस हो जा रहा है। ओके अब ये सही लगा है, तो यहाँ पे हमारा 9 रन हो चुका है, ये 2 ही होगा, 3 रन है, तो यहाँ पे हमारा 10 रन हो चुका है, और इस गेम को हम विन कर चुके हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से गेम बहुत ही सिंपल है, जैसे आप लेवल अप करेंगे, मैंने दिखाया कि कैसे आप कराची का अनलॉक कर सकते हैं, लंदन का भी है, मेलबर्न का, ये सभी लेवल अप करने के बाद से ओपन हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, गेम बहुत ही सिंपल है, एड भी कम आ रहे हैं, जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, एक भी अभी तक हमें एड देखने के लिए नहीं मिला है, जबकि रियल क्रिकेट 22 में आपको भर भर के एड देखने के लिए मिलता है। तो ये काफ़ी बेहतरीन गेम है, एड भी कम देखने के लिए मिल रहा है, बाकी गेम भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर सिंपल सा है, आप इजिली खेल सकते हैं, टाइम तो खेल ही सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।